चांद्रायण कल्प साधना, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। उच्च स्तरीय प्रयोजन के लिए उपयुक्त वातावरण, विशिष्ट स्तर के परिवर्तनों के लिए जहां उपयुक्त उपचार पद्धति, प्रयोगाधिकारी तथा आवश्यक साधन उपकरणों की आवश्यकता होती है, वहां परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। स्थान और समय की बात ऐसी ही है जिसे ध्यान में रखते हुए योजना में फेर फेर करना पड़ता है। टीलों पर बाग लगाना, रेगिस्तान में खेती करना, दलदल में नगर बसाना इच्छा होते हुए भी नहीं बन पड़ता। इसके लिए समस्त साधन होते हुए भी स्थान बदलना पड़ता है। हर काम हर स्थान पर नहीं हो सकता। बहुत से दुर्लभ जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो ठंडे या गर्म प्रदेशों में ही उत्पन्न हो सकती हैं। उन्हें विपरीत वातावरण में लगाया जाए तो मेहनत और लागत बेकार चली जाएगी, अभीष्ट परिणाम की स्थिति बनेगी ही नहीं। कल्प साधना के लिए सर्वप्रथम उपयुक्त वातावरण देखना पड़ता है। कुछ रोगों का इलाज घर बैठे भी हो सकता है, पर कुछ ऐसे हैं जिनके लिए अस्पताल में भर्ती होने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। बड़े बड़ों को व्यवस्था में यही करना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर, नर्स, परीक्षा, चिकित्सा तथा शल्य क्रिया के साधन उपकरण किसी के निजी मकान में एकत्रित नहीं किए जा सकते। हर समय हर सुविधा उपलब्ध कराने वाले उपयुक्त जलवायु में बने अस्पताल ही गंभीर चिकित्सा के लिए उपयुक्त पड़ते हैं। इस तथ्य को समझने वाले बिना नानुकर किए अस्पताल में भर्ती होते हैं। घर में ही वह सब करा लेने का हट कोई दुराग्रही करता होगा। कल्प साधना में जहाँ उपचार पद्धति का सही रूप में परिपालन आवश्यक होता है, वहाँ एक आवश्यकता उपयुक्त वातावरण की भी रहती है। इसकी व्यवस्था बने बिना गाड़ी रुकी ही रहती है। लंका विजय के उपरांत राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को आत्मकल्याण की साधना आवश्यक प्रतीत हुई। गुरु वशिष्ठ ने भी इस आकांक्षा का समर्थन किया। बात आगे बढ़ी तो प्रथम प्रश्न यही उत्पन्न हुआ कि उसे किया कहाँ जाए। यो अयोध्या में साधनों की कमी नहीं थी, उनके लिए सभी सुविधाएं जुट सकती थीं, पर मूल प्रश्न एक ही था कि अभीष्ट वातावरण वहां कहाँ से आए। जन्मभूमि और कर्म भूमि के साथ मनुष्य के अनेकानेक संस्कार जुड़े होते हैं। अपना पराया, राग द्वेष, स्मृति अभ्यास, संपर्क स्वभाव के कुछ ऐसे प्रवाह मनुष्य के साथ जुड़े होते हैं कि बहुत रोकथाम करने पर भी मनुष्य की चिंतन पद्धति, अभिरुचि और आदत उसी अभ्यस्त ढर्रे में अनायास ही घूमती रहती है। विचारों तक की रोकथाम और तोड़ मड़ोड़ कठिन पड़ती है। चेतन के साथ जुड़े रहने वाले स्वभाव अभ्यास को कैसे बदला जाए, इसके लिए स्थान बदलने की आवश्यकता पड़ती है। परिस्थितियों का भी मनस्थिति पर प्रभाव पड़ता है। स्थान बदलने में वहाँ के पदार्थ और व्यक्तियों के साथ संबंध भी जीने पड़ते हैं। फलतः आगे ना बढ़ने देने वाले संचित संस्कारों की ढीली पकड़ ढीली हो जाती है। साथ ही अधिक प्रभावी वातावरण का दबाव पड़ने पर भी मन का बदलना सरल हो जाता। भगवान कृष्ण और रुक्मणी का विचार एक बार उच्च स्तरीय संतान उत्पन्न करने का हुआ। इसके लिए उन्हें विशिष्ट तप करना था। हल्की फुल्की साधना तो घर गांव में रहते हुए सामान्य क्रियाकलापों के साथ साथ भी चलती रहती है, किंतु उच्च स्तरीय साधनाओं में प्रयास ही सब कुछ नहीं होता। इसके लिए वातावरण भी चाहिए। अस्तु, दोनों को सुसंपन्न नगरियों में उपलब्ध अपने प्रस्तुत साधन छोड़ने पड़े और अभीष्ट प्राप्ति के लिए उपयुक्त स्थान बद्रीनाथ ढूंढना पड़ा। वहां उन लोगों ने 12 वर्ष तक मात्र जंगली बेर खाकर तप किया। तद उपरांत ही अपने समान स्तर का एकमात्र पुत्र प्रद्युम्न उत्पन्न कर सकने में सफल हुए। महाभारत के उपरांत पांडव सिंहासन रूढ़ तो हुए, पर साथ ही उनकी आत्म उत्कर्ष आकांक्षा भी रही। भगवान कृष्ण ने
उनकी अभिलाषा को समझा और इसके लिए स्थान बदल देने का परामर्श दिया। वैसा ही हुआ था। राजकाज उत्तराधिकारियों को देकर पांडव हिमालय चले। कृष्ण भी साथ थे। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती इससे पूर्व ही हिमालय निवास करते हुए आत्म साधना में संलग्न हो चुके थे। पीछे द्रौपदी समेत 5 पांडव भी चले। बद्रीनाथ के निकट ही वे जिस स्थान पर बसे उसका नाम पांडुकेश्वर पड़ा। भगवान ने उन्हें पांडव गीता यहीं सुनाई थी। वह ज्ञान भी योग वशिष्ठ के समतुल्य ही माना जाता है। तपस्वी जीवन बिताते हुए, उच्च स्तरीय साधना करते हुए पांडवों ने स्वर्ग प्रस्थान किया था, यह सभी को विदित है। यह उद्देश्य वे लोग इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर रहते हुए राज का चलाते हुए पूरा नहीं कर सकते थे। वातावरण व्यक्ति का 3/4 मन अपने साथ अनायास ही जकड़े रहता है। अभ्यस्त ढर्रे में स्थान के साथ स्वजन संबंधियों के साथ जुड़े हुए संबंध इतने सघन होते हैं जिनका उल्लंघन करते हुए पार जा सकना दुस्तर समझकर यही उपाय अपनाया जाता है कि उपयुक्त वातावरण की दृष्टि से पुराने संबंधों से जकड़ा हुआ स्थान बदला दिया जाए। पांडवों ने भी राम बांधवों की तरह वही किया। स्वास्थ्य सुधार के लिए बनाए जाने वाले सेनेटोरियमों की स्थापना करने वाले सर्वप्रथम उपयुक्त जलवायु वाले स्थानों का चुनाव करते हैं। भले ही लोगों को वहां पहुंचने में असुविधा होती हो, भुवाली आदि सभी सेनेटोरियम प्रायः ऊंचे पर्वतीय स्थानों पर स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से उपयुक्त समझे गए वातावरण में बने हैं। परिणाम को देखते हुए स्पष्ट है, रोग और उपचार अन्यत्र जैसा रहने पर भी वहां भर्ती हुए रोगी आशातीत प्रगति करते हैं और जल्दी अच्छे होने में इन उपचार ग्रहों का परिणाम आश्चर्यजनक रहता है। यह सफलता रोगी अपने अपने स्थानों पर रहकर नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे रोगियों में हर घड़ी स्वास्थ्य सुधार ही मस्तिष्क पर छाया रहता है, जबकि घर रहने पर कुटुंब, व्यवसाय, संपर्क, समुदाय से संबंधित अनेकानेक समस्याएं ध्यान बटाती रहती हैं। पूरा मनोयोग लगना भी सफलता का बहुत बड़ा रहस्य है। कल्प साधना में भी घर छोड़कर तदनुरूप स्थान चयन करने की बात पर जोर दिया जाता है। बंबई का केला, नागपुर का संतरा, लखनऊ का आम, मैसूर का चंदन प्रसिद्ध है। उन्हीं पौधों को अन्यत्र लगाया जाए तो वे स्थान और गुण उपलब्ध ना होंगे। इसमें माली का दोष नहीं, जलवायु का कारण है। सरहदी पठान और नम क्षेत्र के निवासी बंगाली का शरीर देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि आहार आदि की सुविधा में अंतर ना रहने पर भी स्वास्थ्य में इतना अंतर क्यों रहता है। इसमें क्षेत्रीय जलवायु की भिन्नता ही प्रमुख कारण है। जो बात भौतिक क्षेत्र में जलवायु और जमीन पर लागू होती है, वही आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रयोगों और परिणामों के संबंध में उच्च स्तरीय वातावरण पर निर्भर रहती है। इसमें भूमिगत संस्कार, प्राणवान सानिध्य तथा क्षेत्रीय वातावरण, पुरातन संस्कार आदि कितने ही कारण काम करते हैं। तीर्थों की स्थापना पुरातन काल में इन्हीं तथ्यों को समन्वित करते हुए की गई थी। बालकों का गुरुकुल वानप्रस्थों के आरण्यक स्थापित करते समय सुविधा का नहीं, उच्च स्तरीय वातावरण का ध्यान रखना होता है। भले ही वह परंपरागत बना हो अथवा प्रयत्न पूर्वक बनाया गया हो, सुविधा का स्थान कौन नहीं चाहता। पर जब वातावरण के साथ जुड़ी हुई प्रगति का प्रश्न आता है तो सुविधा छोड़ने और वातावरण अपनाने का दूरदर्शिता पूर्ण निर्णय करना पड़ता है। होटल, धर्मशाला में रहकर अनुष्ठान आदि की लकीर पीट लेना एक है और त्रिवेणी की रेती में कुटी बनाकर माघ मास का कल्पवास करना दूसरी। साधना में मात्र कृत्व ही सब कुछ नहीं होता, उसके लिए वातावरण भी पौधे को
खाद पानी मिलने की तरह आवश्यक है। इस दृष्टि से स्थान परिवर्तन की आवश्यकता कल्प साधना में आवश्यक मानी गई है। मालवीय जी का कायाकल्प प्रयोग हिंदू विश्वविद्यालय में बनी उनकी कोठी पर नहीं हुआ था। इसके लिए उन्हें मथुरा जिले के छोटे गांव में तपसी बाबा के तपोवन में फूस की कुटी बनाकर रहना पड़ा था। महामानवों में से तो प्रत्येक को स्थायी रूप से अपनी जन्मभूमि छोड़कर अन्यत्र कार्य क्षेत्र बनाना पड़ता है। ऋषि वृंद में से प्रत्येक को अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी और वे प्रधानतया हिमालय की छाया और गंगा की गोद में बसे। कुछ को अन्यत्र भी ऐसे ही पवित्र स्थान ढूंढने पड़े। बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, नानक, कबीर, रामानुज, चैतन्य, ज्ञानेश्वर, समर्थ, रामकृष्ण परमहंस, गांधी, अरविंद, रमन आदि में से एक भी अपने जन्म स्थान में नहीं बसा, भले ही उन्हें वहां साधन सुविधा की दृष्टि से सुगमता रही हो। ईसा, मोहम्मद और जरतुस्त आदि प्रमुख धर्म संस्थापकों के संबंध में भी यही बात है। उन्हें जन्मभूमि से प्रेम ना रहा हो ऐसी बात नहीं, पर परिस्थिति का मनस्थिति पर जो प्रभाव पड़ता है और उसके कारण लक्ष्य की ओर गतिशील होने में जो व्यवधान पड़ता है, उसे देखते हुए दूरदर्शिता ने यही सुझाया कि स्थान बदलकर ही महान कार्य संपन्न कर सकने में सुविधा होती है। कल्प साधना की कार्य पद्धति उतनी कठिन या जटिल नहीं है जो घर रहकर ना की जा सकती हो, किंतु कठिनाई अभ्यस्त ढर्रा आधा ध्यान अपने में ही उलझाए रहता है, जबकि कल्प साधना या किसी भी साधना के लिए मन को आगे बढ़ाने वाले प्राणवान वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बहुत समय से यह प्रयत्न चलता रहा है कि उच्च स्तरीय साधना के निमित्त उपयुक्त वातावरण वाला तीर्थ विनिर्मित किया जाए। विनिर्मित शब्द का प्रयोग यहाँ इसलिए किया जा रहा है कि परंपरागत तीर्थों को निहित स्वार्थों की दुर्लभी संधियों ने इस बुरी तरह जकड़ लिया है कि वहाँ श्रद्धापूर्वक प्रेरणा मिलना तो दूर, उल्टे अश्रद्धा उत्पन्न करने वाला विक्षोभ ही हाथ लगता है। भीड़ भाड़ की गिचपिच और पर्यटकों जैसी बाल चंचलता को देखते हुए वैसा अवसर ढूंढ निकालना कठिन है जहां साधना के लिए उपयुक्त सभी आवश्यक माध्यम एक साथ उपलब्ध हो सकें। ऐसी दशा में उस लुप्त परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए नए सिरे से न्यूनतम एक तीर्थ की स्थापना तो अनिवार्य रूप में आवश्यक हो ही गई। इसके बिना प्रगतिरत एक कदम भी आगे बढ़ना प्रतीत नहीं हो रहा था। शांति कुंज गायत्री तीर्थ को इसी दृष्टि से विनिर्मित किया गया है ताकि शून्य की पूर्ति हो सके। कल्प साधना सच्चे अर्थों में तीर्थ सेवन है। वातावरण, साधना, शिक्षण विधान, अनुशासन, अध्यवसाय की दृष्टि से यहाँ निवास करने वाले साधक को यही अनुभव होता है कि उसे तीर्थ परंपरा का जीवन दर्शन हो रहा है। सूत्र संचालकों ने समय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस संदर्भ में प्राण प्रण से प्रयास किया है। अनेक स्थूल कमियों के रहते हुए भी कोई सूक्ष्मदर्शी यहाँ यह अनुभव कर सकता है कि व्यवस्था को उन्हीं पदचिन्हों पर चलाया जा रहा है जिन पर देव संस्कृति के महान तीर्थों की स्थापना प्रचंड ऊर्जा केंद्रों के रूप में की गई थी। ऐसी प्रचंड जिसमें तपकर अनगढ़ धातुओं को गलने ढलने और बहुमूल्य बनने का अवसर मिलता था। तीर्थ प्रकारांतर से महामानव ढालने के उत्पादन केंद्र थे जिनमें गुरुकुल बालकों का, आरण्यक वानप्रस्थों का, साधनारत व्यस्त गृहस्थों का नवनिर्माण करते थे। वातावरण की चर्चा करने के उपरांत एक प्रश्न फिर भी शेष रह जाता है कि सत्रों में सम्मिलित होने वाला साधक उपयुक्त प्रभाव ग्रहण करने योग्य अपनी मनस्थिति बना पाते हैं या नहीं।
परिस्थितियां कितनी ही अनुकूल क्यों न बन गई हों, पर यदि उन्हें स्वीकारने की मनस्थिति ना हो तो वह प्रयोजन सिद्ध हो नहीं सकेगा जिसके लिए उभय पक्षीय प्रयासों की अनिवार्य आवश्यकता है, जो एकांगी होने पर बनता ही नहीं, सदता ही नहीं। एक हाथ से ताली कहाँ बजती है, एक पैर से तो बिना लकड़ी के सहारे 10 कदम भी चलना नहीं हो सकता, एक पहिए की गाड़ी लंबी यात्रा पूरी कैसे करे। सूर्य कितना ही महान क्यों ना हो, उसकी किरणें किसी बंद दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकती। हवा कितनी ही स्वच्छ क्यों ना हो, यदि खिड़कियां बंद रहें तो वह समर्थ होते हुए भी उस घर में घुस नहीं सकेगी। दृश्य कितने ही सुंदर क्यों ना हो, पुतली के खराब हो जाने पर सर्वत्र अंधकार ही दृष्टिगोचर होगा। कान के पर्दे काम ना करें तो मधुर संगीत का आनंद ले सकना संभव नहीं। पाचन तंत्र खराब हो तो पौष्टिक भोजन की कोई उपयोगिता नहीं। वाहन साधनों की जितनी उपयोगिता आवश्यकता है उससे भी अधिक उनका सही उपयोग कर सकने में समर्थ विवेक और कौशल की है, अन्यथा बहुमूल्य उपलब्धियां भी निरर्थक बनकर रह जाएंगी। वर्षा में सभी जंगल हरे भरे दिखते हैं, पर चट्टानों पर ना तो नमी के चिन्ह दिखते हैं और ना एक तिनका जमता है। आग को ईंधन तो चाहिए ही, अन्यथा वह प्रचंड होते हुए भी बुझ जाएगी। तीर्थ सेवन के संबंध में भी यही बात है, उसमें उपयुक्त परिस्थितियां तो होनी ही चाहिए, उनके बिना उत्तम मन स्थिति होने पर भी बात नहीं बनती। पर साथ ही इस तथ्य को भी भुला नहीं दिया जाना चाहिए कि सशक्त परिस्थितियां भी उपयुक्त मन स्थिति के अभाव में अपना प्रभाव प्रस्तुत कर सकने में समर्थ नहीं हो सकती। कल्प साधना के साधकों को चाहिए कि इतना समय निकालने, इतना कष्ट सहने, इतना खर्च करने का जहां साहस दिखाया है वहां इतना पुरुषार्थ और भी करें कि अपने मन को पकड़ जकड़ कर समेट दबोच कर इसके लिए मनाएं कि इन दिनों किसी दिव्य लोक में निवास करने, दिव्य ढांचे में ढलने, भविष्य को देवोमय बनाने के लिए जिस चिंतन की आवश्यकता है उसे तत्परता पूर्वक अपनाएं। मन उचटता हो तो उसके लिए छुट्टल घूमने के अभ्यस्त किसी वन्य पशु को प्रशिक्षित करने का कौशल अपनाया जाए। विचारों को भी विचारों से काटा जाए। लोहे से लोहा कटता है, विष को विष मारता है, कांटे से कांटा निकलता है। अनगढ़ एवं आवश्यक विचारों के अभ्यस्त मन संस्थान को यदि उच्च स्तरीय अनुशासन में ढालना है तो वैसा ही प्रयत्न करना होगा जैसा कि बछड़े को हल में जोतने के लिए करना होता है। परिस्थितियां जितनी महत्वपूर्ण हैं उतनी साधक की मन स्थिति भी। यदि मन पर कैद होने का जितनी जल्दी हो सके मुक्त होकर भागने के विचारों का घटाटोप छाया हो तो कितना भी सशक्त वातावरण हो भावना विचारणा तथा शरीर संरचना में तनिक भी परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होगा। अनुकूल मनस्थिति के साधकों को कल्प प्रक्रिया के लिए जैसी परिस्थितियों की तीर्थ की शक्ति प्रधान वातावरण की आवश्यकता थी वैसा ही शांति कुंज को गायत्री तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है। इसके लिए इस स्थान की महत्ता तो अपने स्थान पर है ही, हमारे प्रयास भी महत्वपूर्ण हैं जिनके माध्यम से इस तपस्थली को संस्कारित किया गया है। सर्वविदित है कि यह स्थान सप्त ऋषियों की तपस्थली सप्त सरोवर पर बनाया गया है। इमारत ठीक वहीं बनी है जहां गायत्री के दृष्टा विश्वामित्र का निवास था। 9 कुंड की यज्ञशाला में नित्य 2 घंटे यज्ञ, 55 साल से निरंतर जल रही अखंड ज्योति, नित्य का 24 लाख सामूहिक जप पुरस्चरण, जड़ी बूटी उद्यान जैसी विशेषताएं चर्म चक्षुओं से देखी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त वैसा भी बहुत कुछ है जिसे मात्र ज्ञान चक्षुओं से ही देखा जा सकता है। हिमालय की दिव्य सत्ता का संरक्षण,
वशिष्ठ अरुंधति का सानिध्य, अनुभव, पूर्ण मार्गदर्शन तथा प्राणवान अनुदान जैसी ऐसी सुविधाएं जो अन्यत्र मिल सकना कठिन है। ब्रह्मवर्चस की शोध, युग शिल्पियों का प्रशिक्षण इस वातावरण को स्वर्ण सुयोग जैसा बना देते हैं। कल्प साधना जैसे महान प्रयोजन के लिए इससे हल्के दर्जे का वातावरण काम भी नहीं दे सकता। सर्वतोमुखी प्रखरता उत्पन्न करने वाली तप साधना। धर्मशास्त्र में पाप निवृत्ति और पुण्य प्रवृत्ति के दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त साधन चांद्रायण तप बताया गया है। इस पुण्य प्रक्रिया के 5 प्रमुख भाग यह हैं। 1, पहला, 1 महीने तक आहार के घटने बढ़ने वाला उपवास। दूसरा, गुप्त पापों का प्रगटीकरण। तीसरा, आंतरिक परिवर्तन कर सकने वाले वातावरण में निवास और अनुशासन का प्रतिपालन। चौथा है, अंतःकरण को परिष्कृत करने वाला योगाभ्यास युक्त तप साधन। पांचवा है, दुष्कर्मों की क्षतिपूर्ति और पुण्य वर्धन की परमार्थ परायणता। इन्हें पूरा करने से चांद्रायण तप संपन्न होता है। मात्र 1 महीने का उपवास ही चांद्रायण नहीं है। 1 महीने की निर्धारित ब्रह्मवर्चस साधना क्रम में इन 5 का समन्वय है। पहला, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक 1 महीने का उपवास रहता है। पूर्णिमा को पूर्ण आहार करके उसका 14वां अंश कृष्ण पक्ष में हर दिन घटाया जाता है, शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से बढ़ाते रहते हैं। अन्य अनभ्यस्त लोगों को शिशु चांद्रायण कराया जाता है और मनस्वी लोगों को यति चांद्रायण। यह स्वास्थ्य संवर्धन के लिए शारीरिक कायाकल्प जैसा प्रयोग है। इससे रोगों की जड़ें कटती हैं। परम सात्विक हविष्यान्न ही पेट में जाने से विचार परिष्कार और सद्भाव संवर्धन का उद्देश्य बड़ी अच्छी तरह पूरा होता है। पंचगव्य सेवन, गौमूत्र से संस्कारित हविष्यान्न की आहार आदि के माध्यम से गौ संपर्क भी सत्ता रहता है। प्यास बुझाने के लिए मात्र गंगा जल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा है, गुप्त पापों का प्रकटीकरण मात्र ब्रह्मवर्चस के कुलपति के सम्मुख करके चित्त की भीतरी परतों पर जमी हुई दुराव की जटिल ग्रंथियों को खोला जाता है। मानसिक रोगों के निराकरण का यह बहुत ही उत्तम उपचार है। जो किया जा चुका उसके परिमार्जन के लिए क्या करना चाहिए, यह परामर्श प्राप्त करना भी इसी प्रगटीकरण का अंग है। शीर्ष संस्कार इसी प्रयोजन के लिए है। पूर्ण मुंडन तो नहीं कराया जाता, पर बाल थोड़े छोटे अवश्य हो जाते हैं, जिसका तात्पर्य है संचित दुष्ट विचारों का परित्याग। बच्चों का मुंडन संस्कार भी जन्म जन्मांतरों की पशु प्रवृत्तियों को मस्तिष्क में से हटाने के उद्देश्य से ही किया जाता है। बाल छांटने के अतिरिक्त गोमूत्र, गोमय आदि मंत्र विधान सहित शीर्ष संस्कार किया जाता है। साधक अनुभव करता है कि इस धर्म कृत्य के साथ साथ उसके मन संस्थान में अति महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। तीसरा, वातावरण का मनुष्य पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व के परिवर्तन प्रयास में वातावरण का परिवर्तन आवश्यक माना गया है। ब्रह्मवर्चस आरण्यक में वैसी समुचित सुविधा उपलब्ध है। परिमार्जन, संरक्षण और अभिवर्धन के 3 उद्देश्य पूरे करने वाली त्रिवेणी यहाँ विद्यमान है। दिनचर्या में स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन के 4 तत्व गुथे हुए हैं। शारीरिक और मानसिक संयम, अनुशासन की कठोर विधि व्यवस्था का पालन करना पड़ता है। प्रवचन और परामर्श का दैनिक लाभ मिलता है। दिनचर्या इतनी अनुशासित और व्यवस्थित रहती है कि उस ढर्रे में ढल जाने वाला
भविष्य में अपने आप को सर्वतोमुखी प्रगति में सहायक ढांचे में ही ढाल लेता है। वातावरण का प्रभाव अभिनव परिवर्तन के रूप में निरंतर अनुभव होता रहता है। चौथा, अंतःकरण में देवी संस्कारों की जड़ जमाने वाले योगाभ्यास और तप साधन चांद्रायण के साथ साथ ही करने होते हैं। सवा लक्ष्य गायत्री पुरस्चरण अनिवार्य रूप से आवश्यक है। गायत्री यज्ञ में नित्य सम्मिलित होना होता है। इसके अतिरिक्त उच्च स्तरीय पंचकोशी साधना के लिए 5 योगाभ्यास निश्चित हैं। जप और ध्यान के अतिरिक्त त्राटक, सूर्यवेधन, प्राणायाम, खिचड़ी मुद्रा, सोहम साधना एवं शक्ति चालिनी प्रक्रिया के रूप में नित्य ही करनी पड़ती है। जप और ध्यान के अतिरिक्त पहला त्राटक, दूसरा सूर्यवेधन प्राणायाम, तीसरा खिचड़ी मुद्रा, चौथा सोहम साधना एवं 5वां शक्ति चालिनी प्रक्रिया के रूप में नित्य ही करनी पड़ती है। इन साधनाओं से चेतना क्षेत्र के 5 प्राणों का और काया क्षेत्र के 5 तत्वों का परिष्कार होने के साथ साथ जीवन में अभिनव प्राण संचार होता है। शास्त्रों ने इसे पंचीकरा योगाभ्यास एवं पंचाग्नि तपश्चर्या कहा है। सर्वसाधारण के सकने जितना ही दबाव इस 1 महीने के साधना क्रम में सम्मिलित किया गया है। गायत्री की पंचमुखी साधना में पंच कोशों के अनावरण की ग्रंथि वेधन का रहस्यमय विधान इन्हीं 5 साधनाओं के अंतर्गत आ जाता है। अंतः चेतना के ये 5 उभार 5 देवताओं के वरदान जैसे चमत्कारी प्रतीत होते हैं। 5वां, पापों की क्षतिपूर्ति एवं पुण्य संपदा की अभिवृद्धि के लिए चांद्रायण व्रत की पूर्णाहुति के रूप में कुछ अवांछनीयता का परित्याग और कुछ परमार्थों को अपनाने का संकल्प करना होता है। संग्रह का अंशदान, तीर्थ यात्रा के रूप में धर्म प्रचार का श्रमदान, पुण्य प्रयोजनों में सहकार, सत्सृजन में योगदान जैसे कुछ कदम उठाने के लिए परामर्श दिया जाता है, जिनके सहारे अंतःकरण पर परिवर्तन को व्यवहार में उतारने की छाप प्रत्यक्ष परिलक्षित होने लगे। आंतरिक कायाकल्प चांद्रायण तपश्चर्या का उद्देश्य है। यह कल्पना क्षेत्र तक ही सीमित बनकर ना रह जाए, वरन व्यवहार में भी परिलक्षित होने लगे। इसके लिए कुछ क्रियात्मक कदम उठाने के लिए वैसा परामर्श मिलता है जो प्रस्तुत परिस्थितियों में सरलतापूर्वक शक्य हो सके। उपलब्ध सुसंस्कार परिपक्वता के लिए दूसरों के सम्मुख परिवर्तन का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कुछ साहसिक कदम उठाने पड़ते हैं। यही चांद्रायण की पूर्णा होती है। बीज को वृक्ष रूप में परिणत करना एक चमत्कार है। व्यक्तित्व को तुच्छ से महान बनाना भी एक दैवी वरदान है। बीज अनायास ही वृक्ष नहीं बन जाता, उसे उगने से लेकर फूलने फलने की परिपक्व स्थिति तक पहुंचने में समय और साधनों की आवश्यकता पड़ती है। पहला भूमि, दूसरा खाद, तीसरा पानी, चौथा सुरक्षा एवं 5वां उत्पादक की श्रमशीलता का समन्वय आवश्यक होता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर आराधन को सफल बनाने के लिए भी 5 परिपोषणों की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं 5ों का समन्वय ब्रह्मवर्चस्व साधना में है। इस सुनियोजित तप साधना की सामूहिक व्यवस्था से उस युग शक्ति का उद्भव होगा जिसकी सामर्थ्य से नए युग के सृजन की अनेकों आवश्यकताएं पूर्ण हो सकेंगी। व्यक्ति में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए जिन सृजन शक्तियों को युगांतरकारी भूमिका निभानी है उनकी धार तेज करने के लिए है। यह 1 महीने की चांद्रायण तपश्चर्या अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, यह सुनिश्चित है।
पूर्व जन्म जनितम पुराविदः कर्म देवमिति संप्रच्छते। दुखस्य सुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबिधिर यथा कृतं स्वेन फलेन पूज्यते शरीर हे निस्तदयतत्व या कृतं। गरुण पुराण। कर्मणेव हि रुदत्वं विष्णुत्वं च लभेन्न रः। देवी भागवत। नमस्तता कर्मेभ्यो विधिरपि नयेभ्यम ब्रह्मपति। भर्तृहरि। ब्रह्मा भी जिस कर्म के अधीन है उस कर्म को ही नमस्कार है। पहले जन्म में किया हुआ अपना ही कर्म इस जन्म में प्रबल देव बन जाता है और कहलाता है। सुख दुख में देने वाला कोई दूसरा नहीं, सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं, अपना किया कर्म ही अपने नैसर्गिक फल को पाता है। अपने कर्म से ही जीव को रुद्रत्व विष्णुत्व आदि मिलता है। पूर्व जन्म का कर्म ही इस जन्म का देव है। चांद्रायण साधना एक कायाकल्प उपचार। संचित पाप कर्मों का प्रतिफल रोग शोक विक्षोभ हानि विपत्ति आदि के रूप में उपस्थित होता है। ये विपत्तियां भुगतनी पड़े इसका आधार मनुष्य का भ्रष्ट चिंतन एवं दुष्ट आचरण ही होता है। पाप कर्म के बीज सर्वप्रथम दुष्प्रवृत्ति बनकर अंकुर की तरह उगते हैं। इसके बाद वे पेड़ पौधे बनकर फलने फूलने लगते हैं। जब तक वे फलने योग्य नहीं होते तब तक उनका स्वरूप पतन पराभव के रूप में दृष्टिगोचर होने वाले दुराचरण जैसा होता है। पौधे पीछे जब वे यदि पुष्ट परिपक्व हो जाते हैं तो आदि व्याधि विपत्ति हानि भर्त्सना के रूप में कष्ट देने लगते हैं। दुष्कर्मों के अकाट्य प्रतिफल से बचने का देवी विपत्ति एवं समाज प्रताड़ना के अतिरिक्त दूसरा मार्ग प्रायश्चित का है। इस तप साधना का आश्रय लेकर मनुष्य आत्मशोधन और आत्म परिष्कार का दोहरा प्रयोजन एक साथ पूरा कर सकता है। प्रकृति पथ पर चलने के लिए आंतरिक अवरोधों से पीछा छुड़ाने और आत्मबल पर आश्रित अनुकूलताओं को अर्जित करने की आवश्यकता पड़ती है। यही है आत्मिक पुरुषार्थ का एकमात्र स्वरूप। यात्री को एक पैर उठाना दूसरा बढ़ाना पड़ता है। उठाने का तात्पर्य है कुसंस्कारों को छोड़ना, इसके लिए तप करना। बढ़ाने का अर्थ है सत्प्रवृत्तियों को स्वभाव एवं आचरण में सम्मिलित करना। कच्ची धातुओं को बहुमूल्य उपकरण के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रचंड ताप की भट्टी द्वारा गलाई ढलाई करनी पड़ती है। गलाई को तप और ढलाई को योग कहते हैं। चांद्रायण में तप और योग दोनों का समावेश है। उसकी समूची प्रक्रिया में पग पग पर परिशोधन और परिष्कार के उभय पक्षीय तत्व पूरी तरह गुथे हुए हैं। उपवास और सुसंस्कारी अन्न से काय शोधन होता है और मन क्षेत्र में प्रज्ञा का आलोक बढ़ता है। शरीर कल्प के यही तो आधार हैं। आत्मिक कायाकल्प के लिए भी शरीर का तप तितिक्षा के आधार पर परिशोधन होता है। उपवास पर आधारित आहार चिकित्सा को कायिक निरोगता का मूलभूत आधार माना जा सकता है। पेट का भार हल्का रहने और सुसंस्कारी आहार से गुण कर्म स्वभाव पर उपयोगी प्रभाव पड़ने का प्रत्यक्ष लाभ स्वास्थ्य सुधार के रूप में दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार इंद्रिय संयम अर्थ संयम समय संयम और विचार संयम का अभ्यास करने से अवांछनीय दुष्प्रवृत्तियों से सहज ही छुटकारा मिलता है। अंधकार हटना और प्रकाश बढ़ना एक ही बात है। कुसंस्कार घटेंगे तो आंतरिक प्रखरता अनायासी बढ़ती चली जाएगी। इसके अतिरिक्त उन दिनों आंतरिक परिवर्तन के लिए भावनात्मक प्रयत्न होते रहें और साथ साथ योगाभ्यास सम्मत कोई अतिरिक्त प्रयत्न भी चलते रहें।
यह अभ्युदय उत्कर्ष की सशक्त प्रक्रिया है। प्रायश्चित में तीन पक्ष हैं, एक व्रत उपवास जैसी तितिक्षा, दूसरा संचित कुसंस्कारों को उखाड़ने और उस स्थान पर उच्च स्तरीय शालीनता को स्थापित करने का अंतर्मुखी पुरुषार्थ, तीसरा खोदी हुई खाई को पाटने वाली क्षतिपूर्ति के लिए पुण्य परामर्श का उदार साहस। इन तीनों के संयुक्त समावेश में प्रायश्चित की पूर्ण प्रक्रिया सद्धति है। मात्र आहार में कटौती करने भर से तो चांद्रायण का एक छोटा भाग ही सद्धता है। चांद्रायण को एक प्रकार के आयुर्वेदोक्त कायाकल्प के समान समूचे व्यक्तित्व का संशोधन संवर्धन करने वाली प्रक्रिया कह सकते हैं। इसे आत्मिक कल्प कह सकते हैं। इतने पर भी कल्प के भौतिक सिद्धांत दोनों में ही एक जैसे हैं, एकांत सेवन, आहार संयम तथा निर्धारित चिंतन। यही तीन आधार चांद्रायण के भी हैं। रोगी अपने रोग का स्वरूप ही नहीं इतिहास भी चिकित्सक को बताता है, इसी निदान के आधार पर वह उपचार की व्यवस्था बनाता है। चांद्रायण में मार्गदर्शक को अपने संचित पाप कर्मों का विस्तृत वर्णन स्वभावतः, दोष दुर्गुणों का परिचय एवं भौतिक आत्मिक अवरोधों का विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है। इन तीनों पक्षों पर गंभीर विचार करने के उपरांत ही हर व्यक्ति के लिए कुछ विशेष परामर्श दिए जाते हैं, उपाय उपचार बताए जाते हैं। चांद्रायण के सामान्य नियम उपचार तो एक जैसे हैं, किंतु साथ ही हर साधक को स्थिति के अनुरूप उसे कुछ अतिरिक्त उपाय साधन भी बताए जाते हैं। इन निर्धारणों को कौतुक कौतूहल एवं बेगार जैसी चिन्ह पूजा नहीं बनाया जाता। लकीर पीटने की आधी अधूरी लंगड़ी लूली प्रक्रिया अपनाने भर से इतना बड़ा प्रयोजन पूरा नहीं होता, उसमें गंभीर होना पड़ता है और निर्धारित अनुशासन का कठोरता पूर्वक परिपालन करना पड़ता है। चांद्रायण तप घर के व्यस्त अभ्यस्त वातावरण में नहीं हो सकता है। उपवास पूर्वक अनुष्ठान तो आए दिन होते रहते हैं, चांद्रायण उससे आगे की चीज है। उसके लिए तदनुरूप तीर्थ जैसा पवित्र वातावरण, उपयुक्त साधन एवं ऋषिकृत मार्गदर्शन चाहिए। यह आवश्यकता शांतिकुंज गायत्री नगर में जैसी अच्छी तरह संपन्न हो सकती है, वैसी सुविधा अन्यत्र मिल सकना कठिन है। पूर्ण चांद्रायण एक महीने का पूर्णिमा से पूर्णिमा तक होता है और लघु चांद्रायण 10 दिन का। दोनों में समय का ही अंतर है, विधान अनुशासन दोनों में एक जैसे हैं। सबसे महत्व की बात यह है कि शरीरगत अनुबंधों की निर्धारित दिनचर्या अपनाए रहने के अतिरिक्त मानसिक स्थिति ऐसी बनानी पड़ती है मानो किसी अन्य लोक में उन दिनों रहा जा रहा है। इन दिनों सांसारिक चिंतन एक प्रकार से विस्मृत ही कर देना चाहिए और मात्र अध्यात्म लोक की आवश्यकताओं तथा अंतः क्षेत्र की समस्याओं को हल करने में ही चित्त को पूरी तरह केंद्रित रखना चाहिए। भौतिक जीवन की समस्याएं इतनी विकट होती हैं कि उन्हें सुलझाने वाले साधन जुटाने में प्रायः समूची जीवन अवधि खप जाती है। फिर आध्यात्मिक जीवन तो और भी अधिक व्यापक एवं महत्वपूर्ण है। उसकी गुत्थियां सुलझाने और प्रगति के सरंजाम जुटाने के लिए नए सिरे से नए दृष्टिकोण तथा नया साहस जुटाना होता है। इतने बड़े काम के लिए निर्धारित साधन कायाकल्प ही है। उसमें से भौतिक चिंतन एवं प्रयास के लिए तनिक भी कटौती नहीं करनी चाहिए। समय तथा मनोयोग को निर्धारित प्रयोजन में ही जुटाए रहना चाहिए। उसे अन्य किसी कार्य में रत्ती भर भी अस्त व्यस्त नहीं करना चाहिए। चांद्रायण साधना को व्रत, तप एवं कल्प के नाम से जाना जाता है। व्रत अर्थात संयम, अनुशासन, निर्धारण एवं परिपालन। तप अर्थात कुसंस्कारों से संघर्ष और शालीनता के अवधारण का अभ्यास पुरुषार्थ। कल्प अर्थात पिछली
हेय स्थिति को उलटकर उसके स्थान पर उत्कृष्टता का प्रतिष्ठापन। यह तीनों ही प्रयास परस्पर मिलते हैं तो ज्ञान और धर्म की गंगा यमुना मिलने से एक नई धारा भक्ति भावना की दिव्य जीवन की सरस्वती के रूप में उद्भूत होती है। इस समन्वय में त्रिवेणी संगम बनता है। उसका अवगाहन करने वाले इस धरती पर स्वर्ग का आनंद लेते हैं, जीवन मुक्त बनते हैं और मनुष्य रूप में देवता कहलाते हैं। इसी परम लक्ष्य की पूर्ति करना चंद्रायण का आधारभूत उद्देश्य है। चंद्रायण के तीन पक्ष हैं, संयम साधना, प्रज्ञा उपासना और भविष्य निर्धारण की आराधना। संयम साधना में उपवास प्रमुख है। इस अवधि में सामान्य आहार की तुलना में आधा ही लिया जाता है। जो खाया जाए वह पूर्ण सात्विक एवं सुसंस्कारी हो इसका ध्यान रखा जाता है। संयम को ही तप कहते हैं। सामान्य जीवन में यह चार प्रकार से अपनाया जाता है। पहला है इंद्रिय संयम के लिए ब्रह्मचर्य, मौन, अवसाद आदि की तितिक्षा। दूसरा है अर्थ संयम के लिए मितव्ययता, परिश्रमशीलता अपना कर सादा जीवन, उच्च विचार का अभ्यास। तीसरा है समय संयम, एक घड़ी भी आलस्य प्रमाद में बर्बाद ना होने देना, दिनचर्या बनाकर उसके परिपालन में तत्परता बरतना। चौथा है विचार संयम, चिंतन की अस्त व्यस्त उड़ाने भरने से रोकना, सौंपे हुए काम में ही मनोयोग नियोजित रखना। चांद्रायण में ये चारों ही संयम साधनाएं तपश्चर्या के रूप में निर्धारित करनी होती हैं। तपस्वी सच्चे अर्थों में सामर्थ्यवान बनता है, उसकी ऊर्जा से प्रखरता परिपक्वता बढ़ती है। तपस्वी ही शरीरगत ओजस, मनोगत तेजस एवं अंतःकरण वर्चस से सुसंपन्न बनते हैं। इसी आत्मबल के सहारे वृद्धि सिद्धियों का द्वार खुलता है। प्रज्ञा उपासना में गायत्री पुरस्चरण मुख्य हैं। 2.5 घंटा नित्य का समय इसके लिए नियत है। इस बीच निर्धारित जप संख्या पूरी करनी पड़ती है। साथ ही प्रभातकालीन सूर्य किरणों का तीनों शरीर में प्रवेश करने का ध्यान किया जाए, अनुभव किया जाए कि गायत्री के प्राण सविता देवता का दिव्य आलोक जीवन सत्ता के कण कण में प्रवेश करके तीन अनुदान प्रदान करता है। स्थूल शरीर को सत्कर्म, सूक्ष्म शरीर को सद्ज्ञान, कारण शरीर को सद्भाव। इन्हीं तीनों को क्रमशः निष्ठा, प्रज्ञा और श्रद्धा भी कहते हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के अंतर्गत इन्हीं दिव्य अनुदानों का विवेचन किया जाता है और तृप्ति, तुष्टि, शांति की त्रिविधि विभूतियों के सहारे देवोपम जीवन जी सकने का लाभ समझाया जाता है। जिनको ये दिव्य संपदा जितनी मात्रा में उपलब्ध होती है वह उसी अनुपात से आत्मसंतोष, जन सहयोग एवं देवी अनुग्रह का प्रतिफल हाथों हाथ प्राप्त करता है। ऋतंबरा प्रज्ञा ही गायत्री है। प्रज्ञा अर्थात दूरदर्शी विवेकशीलता, यही है मनुष्य का आराध्य इष्ट। इस दिशा में होने वाली प्रगति से इसी जीवन में स्वर्ग और मुक्ति के रसास्वादन का लाभ मिलता है। भविष्य निर्धारण की आराधना के निमित्त इस अवधि में स्वाध्याय, सत्संग और चिंतन मनन के चार प्रयोजनों में निरत रहना पड़ता है। नित्य कर्म उपासना के अतिरिक्त जो भी समय खाली मिले उसमें उन्हीं चार प्रयोजन में मन को लगाए रहना पड़ता है। इन चारों का लक्ष्य एक ही है, आत्म परिष्कार, उज्ज्वल भविष्य का योजनाबद्ध निर्धारण। इसके लिए आत्मनिरीक्षण, आत्मसुधार, आत्मनिर्णय एवं आत्मविश्वास के चारों प्रसंगों पर गंभीरता पूर्वक समुद्र मंथन जैसा आत्मचिंतन करते रहना होता है ताकि ईश्वर प्रदत्त अलभ्य उपहार
मनुष्य जन्म का सही उपयोग संभव हो सके। इसके लिए शरीर निर्वाह एवं परिवार पोषण की तरह ही परमार्थ प्रयोजनों को महत्व देना होता है। आत्मकल्याण और लोक मंगल की समन्वित जीवनचर्या का निर्धारण एवं अभ्यास ही आराधना है। परमात्मा को आदर्शों का समुच्चय मानकर उसके साथ तादात्म्य होना उपासना है। जीवन को अधिकाधिक पवित्र एवं प्रखर बनाने वाली सुसंस्कारिता की अवधारणा साधना है। लोक मंगल का परमार्थ और उसके सहारे अपनी सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन ही आराधना है। उपासना परमात्मा की, साधना अंतर आत्मा की और आराधना विश्वात्मा की जाती है। चांद्रायण काल में बहिर्मुखी माया प्रपंच से अवकाश प्राप्त किया जाता है और उस अवधि में अंतर्मुखी रहकर अंतर जगत का पर्यवेक्षण किया जाता है। इस दिशा परिवर्तन के लिए नियोजित आत्म साधना जितनी भावपूर्ण एवं गंभीर होगी उतना ही चांद्रायण का प्रत्यक्ष वरदान उपलब्ध होगा। आहार साधना एक महत्वपूर्ण तपश्चर्या। आहार कल्प स्वयं में एक परिपूर्ण चिकित्सा है। यह तो मात्र मन की दुर्बलता है जो व्यक्ति को भांति भांति के आहार स्वादेंद्रियों की तृप्ति ग्रहण करने हेतु लालायित करती रहती है। स्वास्थ्य के बिगड़ने, जीवनी शक्ति कमजोर होने की प्रक्रिया यहीं से आरंभ होती है। अच्छा होता कि व्यक्ति प्रकृति में विचरण करते प्राणियों से कुछ शिक्षा लेता, जीवन अपना जीवन क्रम यथासंभव स्वाभाविक बनाए रखता। परंतु कृत्रिम जीवन का अभ्यासी मनुष्य आज अपने ढर्रे में कोई परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में स्वतः स्वीकार नहीं करता। प्रकृति ही अपनी ओर से उसे दंड देती है तो उसे रोग विशेषों में पथ्य अपथ्य के रूप में स्वाद में अच्छी लगने वाली वस्तुएं बरबस छोड़नी पड़ती हैं। इस ढर्रे को तोड़ने की विधि एक ही है, किसी तरह अपने वर्तमान परिकर से निकलकर न्यूनतम एक आहार पर रहने के क्रम को अपनाया जाए। इसके लिए किंचित मनोबल से ही काम चलाया जा सकता है। यह मृदु तपश्चर्या सफल हो गई तो आगे कड़ी तपस्या भी संभव है। आहार कल्प की दृष्टि से सामान्यतया अमृताशन का प्रयोग सर्वसुलभ माना जाता है। गेहूं चावल मूंग इन तीन के मिश्रण से दाल चावल दलिया दाल का संयोग बनता है। अच्छा तो यह है कि एक धान्य से काम चलाया जाए। दलिया या चावल को दूध गुड़ आदि के संयोग से स्वादिष्ट भी बनाया जा सकता है। अकेली मूंग भी उबालकर एक महीने तक भोजन का काम भली प्रकार दे सकती है। आग्रह या असमर्थता हो तो दो का संयोग करना चाहिए। स्मरण रहे हर धान्य अपने आप में पूर्ण है, उसमें वे सभी वस्तुएं मौजूद हैं जो शरीर के लिए आवश्यक हैं। सच तो यह है कि शरीर के पाचक रस ही विभिन्न खाद्यान्नों को अपने उपयुक्त परिवर्तित करते और बदलते हैं। सुअर और दुम्भा मेड़ा के शरीर में चर्बी की मात्रा अत्यधिक होती है। वे इसे मात्र घास से ही प्राप्त कर लेते हैं, जबकि घास में चर्बी का अंश अत्यल्प मात्रा में होता है। शरीरगत पाचक रस सत्तू जैसी स्वत्व रहित वस्तु को भी उलट पलट कर शरीर के लिए उपयुक्त क्षमता वाले रक्त में बदल देते हैं। शाकाहार में एक अन्न, एक फल, एक शाक भर रहने में हर्ज नहीं। कल्प का वास्तविक तात्पर्य यही है। दूध कल्प, छाछ कल्प, आम्र कल्प, खरबूजा कल्प आदि का तात्पर्य ही यह है कि नियत अवधि तक एक ही वस्तु का सेवन किया जाए, दूसरी ना जाने दी जाए। एक अन्न से नाक भोंग सिकुड़ने वालों के लिए ही मूंग की दाल का मिश्रण करके संख्या दो कर लेने की छूट दी गई है। अन्यथा उपयुक्त यही है कि किसी एक अन्न पर निर्भर रहा जाए, उसके साथ दूसरी वस्तु का मिश्रण ना किया जाए। किसी खाद्य पदार्थ को अपना पूरा प्रभाव दिखाने का अवसर इसी आधार पर मिलता है। अन्यथा दो या अधिक वस्तुओं का मिश्रण करने पर हर वस्तु अपना प्रभाव खोती चली जाती है। मिश्रणों के आधार पर नए नए किस्म के चित्र विचित्र प्रभाव उत्पन्न होते हैं
और मूल विशेषता एक प्रकार से समाप्त ही होती जाती है। अन्नों में प्राकृतिक अन्न कहीं अधिक प्राणवान होते हैं। गेहूं, चावल आदि की प्रचलित किस्में चित्र विचित्र संकरत्व करके विलक्षण विलक्षण खाद देकर कलम बनाई विकसित की गई हैं। फलतः आकृति मूल रूप से मिलती जुलती रहने पर भी उनके गुणों में भारी अंतर आ गया है। ऐसी दशा में अच्छा तो यही होता है कि मनुष्य की करतूत से अछूते वन्य प्रदेशों में अपने आप उगने वाले धान्यों का प्रयोग कल्पकाल में किया जाए। ऐसे धान्यों में उत्तर प्रदेश की भूमि में सामा, मकरा, मालकांगनी, चैना, महुआ जैसी जंगली अन्न कुछ समय तक पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होते थे। गरीब लोग उन्हीं पर निर्वाह करते थे। वे अपेक्षाकृत अधिक पौष्टिक, सात्विक एवं गुणकारी होते हैं। जौ की एक प्राकृतिक किस्म जई होती है। चावल में जंगली चावल को साठी कहते हैं। इन सबके गुण पृथक पृथक हैं। यदि इनमें से किसी एक अन्न का कल्प किया जा सके तो उसके चमत्कारी परिणाम उत्पन्न होंगे। कठिनाई एक ही है कि अब भूमि का उपयोग कीमती फसलें उत्पन्न करने में होने लगा है। फलतः जंगली अन्नों के उत्पादन का क्षेत्र समाप्त होता चला जाता है। गरीब लोग भी अब उनके लिए प्रयत्न नहीं करते। फलतः वे अधिक पौष्टिक और सात्विक प्रजातियां क्रमशः लुप्त और समाप्त होती चली जा रही हैं। फिर भी जिन्हें अन्न कल्प करना हो उन्हें इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि जिसका सेवन किया जाए वह सात्विक क्षेत्र में सात्विक खाद पानी से उत्पन्न किया गया हो। आजकल बूचर खानों का रक्त, मछली का खाद, मनुष्य के मलमूत्र की खाद वाले गंदे पानी से सींचे गए अन्न अधिक मात्रा में उपस्थित तो हैं, पर गुणों की दृष्टि से उनका स्तर घटिया एवं विकृत होता चला जाता है। रासायनिक खादें एवं कीटनाशक दवाएं जब आहार का अंग बन जाती हैं तो पेट भरने के लिए उनका उपयोग भले ही होता रहे, विकल्प जैसे उच्च स्तरीय उद्देश्यों में प्रयुक्त होने योग्य रहती ही नहीं। आहार की किस्म ही नहीं, उसका स्तर भी उत्तम हो तभी अभीष्ट उद्देश्यों की पूर्ति भली प्रकार होती है। पकाने वाले के व्यक्तित्व का प्रभाव भी कम महत्व का नहीं। चाहे जैसी प्रकृति आदत वाले अस्वस्थ, अस्वच्छ, दुष्ट, दुर्गुणी, मूर्ख, अनपढ़, अनगढ़ व्यक्ति का बनाया परोसा भोजन भी उस उद्देश्य की पूर्ति में बाधा ही डालता है जिसके लिए की कल्प साधना जैसी तपश्चर्या की योजना बनी। अन्न के बाद फल, ऋतु फल एवं शाखों का नंबर आता है। जिनका अपना बगीचा है वे बिना कलम वाले पेड़ पर पके फल लेकर कल्प कर सकते हैं। बाजार में जो बिकते हैं उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जिनका कल्प के लिए उपयोग हो सके। आमतौर से वे पेड़ से कच्चे तोड़े जाते हैं, समय बीतते बीतते पक जाते हैं या भूसे अनाज आदि में दबाकर पकाए जाते हैं। इनका स्वाद भले ही मीठा हो जाए, गुणों के दृष्टि से वे नितांत कच्चे ही होते हैं और लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाते हैं। कलमी आम, बेर, चीकू, जामुन, अमरूद आदि का इन दोनों खूब प्रचलन है। आकार और स्वाद उनका भले ही बड़ा चढ़ा रहे पर वे अपनी मौलिक विशेषताओं से कहीं अधिक दूर हट गए होते हैं। अस्तु उनके प्रयोग की उपेक्षा ही की जानी चाहिए, वे महंगे भी तो होते हैं। फलों के बाद मौसमी फलों की बारी आती है। इनमें आम, शहतूत, लीची, शरीफा, अनानास, बेर, अमरूद आदि को चुना जा सकता है। खरबूजा, तरबूजा तथा अनेक किस्म के आम हैं, वे भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। शाखों में लौकी, तोरई, परवल, टमाटर, गाजर, मूली, शलजम जैसी हल्की प्रकृति वाले शाख ही लेने चाहिए। आलू, अरबी, शकरकंद, जिमीकंद, रतालू आदि भी योग शाखों में गिने जाते हैं। वस्तुतः वे गुणों की दृष्टि से अन्न वर्ग में आते हैं, भारी पड़ते हैं, फलतः उनका कल्प प्रयोजनों में उपयोग नहीं होता। पत्तीदार शाखों में पालक, चौलाई, मेथी, सरसों ग्राय हैं, पर उन्हें पूरे आहार की तरह पचाने की क्षमता किनी किनी में ही होती है। जिनका पेट गड़बड़ाता है
उन्हें दस्त होने लगते हैं। पीपल, बरगद, गूलर, अंजीर किस्म के फल भी अपने प्रकृति के अलग ही हैं। महुए का फूल भी इस प्रयोजन में आ सकता है, पर इनका पूर्ण परीक्षण इसी प्रकार कर लेना चाहिए जैसे कि पेनिसिलिन आदि के प्रयोग से पूर्व उसकी प्रतिक्रिया जांचने या चमड़ी पर जांच पड़ताल की जाती है। इनमें से किसी का प्रयोग करना हो तो पहले 10-5 दिन उन पर निर्भर रहकर पेट की क्षमता परख लेनी चाहिए, तब 1 महीने की कल्प साधना में उनका निश्चित उपयोग करने की बात सोचनी चाहिए। ये कल्प हर किसी से नहीं निभ पाते। अपनी मनस्थिति अपने से सही नहीं आंकी जा सकती। मार्गदर्शक से पूछे बिना किसी भी प्रयोग को आरंभ ना करें। हर पक्ष पर पहले पूरा विचार कर लेना चाहिए। वर्णित धान्य, ऋतुफल, शाक आदि में से चाहे जो चुन लिया जाए ऐसा नहीं हो सकता। इन्हें उपचार की ही तरह प्रयुक्त किया जाता है। इसके लिए निर्णय करने से पूर्व साधक की शारीरिक मानसिक स्थिति देखनी जांचनी होती है। उपरोक्त खाद्यों में से प्रत्येक की अपनी अपनी विशेषताएं तथा खामियां हैं। इसी प्रकार किसी प्रकृति या परिस्थिति के लिए कोई वस्तु अनुकूल या कोई प्रतिकूल पड़ती है। एक वस्तु सभी के लिए एक जैसी प्रतिक्रिया उत्पन्न करे ऐसा नहीं होता। इससे पेट के पाचक रसों और अभ्यस्त ढर्रे की भिन्नता के कारण एक ही खाद्य पदार्थ कई मनुष्यों पर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए खाद्य की विशेषताएं और उपयोगिताओं को साधक की भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए अनुभवी व्यक्तियों को ही यह निर्णय करना चाहिए कि किसे किस अन्न, शाक या फल आदि का कल्प कराया जाए। इसमें उपभोक्ता की रुचि के साथ भी तालमेल बिठाने की आवश्यकता पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति किसी पदार्थ से सर्वथा अरुचि व्यक्त करे तो उसके उपयोगी होते हुए भी मनोवैज्ञानिक कारणों से वह उल्टी प्रतिक्रिया प्रकट करती है। जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते उन्हें उनकी गंध तक नहीं सुहाती, और लाभ हानि की चर्चा करने से पूर्व ही उन्हें पूर्वाग्रहों के कारण उल्टी आने लगती है। ऐसी दशा में कल्प कैसे हो? जड़ी बूटी कल्प का अपना पृथक विज्ञान है। किस व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुरूप किस बूटी के रासायनिक पदार्थ उपयोगी पड़ते हैं इसका तालमेल बिठाते हुए ही यह निर्णय करना पड़ता है कि किसके लिए किसका उपयोग समाधान कारक रहेगा। कल्प साधना में आहार कल्प की तरह बूटी कल्प भी कराया जाता है। इसके लिए उसे 1 महीने तक 50 ग्राम कल्क नित्य पेट में पहुंचाया जाता है। कल्क से तात्पर्य है पतली चटनी, लगभग ठंडाई से कुछ गाढ़ी सिरप स्तर की। निर्धारित बूटी का कल्क प्रातःकाल खाली पेट लिया जाता है। कल्प प्रयोजन के लिए 5 बूटियां ली गई हैं। पहला है तुलसी, दूसरा शंख पुष्पी, तीसरा ब्राह्मी, चौथा शतावर, पांचवा अश्वगंधा। यो इनके अतिरिक्त कई कल्प व्यवस्थाएं आयुर्वेद में प्रचलित हैं, जिनमें पहला त्रिफला, दूसरा हरित की, तीसरा पुनर्नवा, चौथा आंवला, पांचवा विधारा, छठवा गिलोय, सातवा सूंठ, आठवा बिल्व, नौवा निर्गुंडी, दसवां मूसली आदि प्रमुख हैं, किंतु उन्हें विशेष परिस्थितियों में विशेष व्यक्तियों के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। सामान्यतः उपरोक्त 5 में से सभी अपने गुणों के अनुरूप सभी प्रकृति के व्यक्तियों की काया तथा मानवीय संरचना के अनुसार संतुलन बिठाने में काम दे जाती हैं। युवा व्यक्तियों को 1 महीने में 50 ग्राम नित्य बूटी सेवन कराई जाती है। यह सेवन उतार चढ़ाव की चांद्रायण पद्धति से होता है। प्रथम 15 दिन थोड़ी थोड़ी करके मात्रा बढ़ाना, फिर बाद के 15 दिन में मात्रा को क्रमशः घटाते चलना। कल्प प्रयोग की यह एक विशेष पद्धति है। बूटी कल्प में गंगा जल ही प्रयोग होता है। उसे पीसने छानने बनाते उसे पीसने छानने बनाते समय उस प्रयोजन के लिए निर्धारित नियमों का पालन करने वाले हाथ ही काम करते हैं।
अन्नाहार एवं शाकाहार में पकाने की पद्धति में भी आध्यात्मिक स्तर के साथ जुड़ी हुई पद्धतियाँ अपने अपने प्रभाव का समावेश कर देती हैं और वह सामग्री अपने ढंग की आंतरिक विशिष्टताओं से संपन्न हो जाती है। पदार्थ के तीन स्वरूप हैं, ठोस, द्रव तथा वायु। उसी को आहार में अन्न, जल और सांस के माध्यम से ग्रहण किया और जीवित रहा जाता है। इसी क्रम का स्तर बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रभाव परिधि स्थूल शरीर से आगे बढ़कर सूक्ष्म और कारण शरीर तक जा पहुंचती है। कल्प साधना में वह आहार सेवन कराया जाता है जिसमें उसकी सूक्ष्म और कारण शक्ति भी संयुक्त रूप में सम्मिलित हुई हो। इस प्रकार उसे एक प्रकार का तप साधन जैसा व्रत, उपवास स्तर का परम सात्विक एवं दिव्य औषधि जैसी विशेषताओं से युक्त करने का प्रयत्न किया जाता है। आहार की उत्कृष्टता एवं निर्माण तथा सेवन में जुड़ी हुई भावना का समावेश होने से उसका लाभ और भी अनेक गुना बढ़ जाता है। अमृताशन में अन्न, बूटी कल्प और प्रज्ञा पेय में जल तथा नित्य के अग्निहोत्र में सम्मिलित रहने पर वायुभूत आहार को मुख, नासिका तथा अन्य छिद्रों के माध्यम से भीतर पहुंचाया जाता है। यह समग्र समुच्चय ऐसा है जिसमें तीनों शरीरों के परिशोधन एवं संवर्धन, ये दोनों ही उद्देश्य भली प्रकार पूर्ण होते हैं। अन्य चिकित्सा पद्धतियां मात्र व्यक्ति के अंग विशेषों का उपचार करती हैं और कारण समझे जाने वाले विष को अन्य विषाक्त द्रव्य से मारने का प्रयत्न करती हैं, किंतु कल्प साधना में प्रयुक्त होने वाला आहार उपचार ऐसा है जिसमें मात्र निवारण निराकरण नहीं वरन परिवर्तन भी जुड़ा हुआ है। अन्न को ब्रह्म कहा गया है। काया का समूचा ढांचा प्रकारांतर से खाद्य की ही परिणति है। व्यक्तित्व के गुण कर्म स्वभाव का मूलभूत ढांचा आहार के आधार पर ही बनता है। शिक्षा आदि से तो उस ढांचे को संभाला संजोया भर जाता है। यही कारण है कि अध्यात्म विज्ञान में आहार की उत्कृष्टता को अंतःकरण, विचार तंत्र एवं काय कलेवर की पवित्रता प्रखरता के लिए सर्वोपरि माध्यम माना गया है। व्रत उपवास में खाली पेट रहने के अतिरिक्त ऐसे पदार्थ सेवन करने का विधान है जो परम सात्विक हों तथा स्वल्प मात्रा में लिए गए हों। यह पद्धति कल्प साधना में अपनाई जाती है। इस प्रकार आहार साधना को एक प्रकार का उपवास समझा जा सकता है एवं इसके माध्यम से आत्म परिष्कार की संभावना पर भलीभांति विश्वास किया जा सकता है। कल्प साधना का क्रिया पक्ष। चिंतन, आदत और विश्वास अंतराल के यह तीन क्षेत्र हैं। इन्हें क्रमशः मन, बुद्धि, चित्त कहते हैं। मनः क्षेत्र की ये तीन परतें हैं। इन्हीं को तीन शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण भी कहते हैं। पंच भौतिक काया तो इन तीनों की आज्ञा एवं इच्छा का परिवहन मात्र करती रहती है। आत्मसत्ता इनसे ऊपर है। उपरोक्त शरीरों की परोक्ष स्थिति को परिष्कृत करने के लिए योगाभ्यास में तीन साधनाएं हैं। स्थूल को मुद्राओं से, सूक्ष्म को प्राणायाम से और कारण को योग त्रयी से परिमार्जित किया जाता है। मुद्राओं में तीन प्रधान हैं, शक्ति चालिनी मुद्रा, शीतलीकरण मुद्रा, खेचरी मुद्रा। प्राणायामों में तीन को प्रमुखता दी गई है, नाड़ी शोधन प्राणायाम, प्राणाकर्षण प्राणायाम, सूर्यवेधन प्राणायाम। योगाभ्यासों में तीन प्रमुख हैं, नाद योग, बिंदु योग, लय योग। कल्प साधना में इन नौ का अभ्यास कराया जाता है। दिव्य अनुदान की ध्यान धारणा इन नौ के अतिरिक्त है। क्रिया योग के यह तीन प्रयोग साधक के त्रिविध शरीरों को परिष्कृत करने की उपयोगी भूमिका संपन्न करते हैं। शरीरों के हिसाब से इनका वर्गीकरण करना हो तो स्थूल शरीर के निमित्त
शक्ति चालिनी मुद्रा, नाड़ी शोधन प्राणायाम और नाद योग को नाद योग की गणना की जाएगी। सूक्ष्म शरीर के निमित्त प्राण आकर्षण प्राणायाम, शिथिलीकरण मुद्रा और बिंदु योग को महत्व दिया जाता है। कारण शरीर में खेचरी मुद्रा, सूर्यवेधन प्राणायाम और लय योग का अभ्यास किया जाता है। हर साधक को उन नौ को एक साथ करना आवश्यक नहीं। त्रिविध योग साधनाएं तो सभी को सामान्य परिमार्जन करने के दृष्टि से आवश्यक मानी गई हैं। इनको हर स्थिति के साधक को साथ साथ चलाने का प्रावधान है। नाद योग, बिंदु योग और लय योग का अभ्यास सभी कल्प साधकों की दिनचर्या में सम्मिलित है। मुद्राएं तथा प्राणायाम तीन तीन हैं। इनमें से साधक के अंतराल का सूक्ष्म निरीक्षण करके एक एक का निर्धारण करना पड़ता है। तीन मुद्राएं, तीनों प्राणायाम भी तीन योगों की तरह प्रतिदिन साधने पड़े ऐसी बात नहीं है। मुद्राओं में से एक, प्राणायामों में से एक का ही चयन करना होता है। इस प्रकार तीन योग, एक मुद्रा, एक प्राणायाम का पंचविध कार्यक्रम हर एक की दिनचर्या में सम्मिलित रहता है। इसे प्रकारांतर से पंचकोशी साधना भी कह सकते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश की पंचम उच्च स्तरीय साधना भी इसी को कह सकते हैं। इनके प्रतिफलों की उपमा पांच प्रमुख देवताओं के पांच प्रमुख वरदानों से दी गई है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा। उपरोक्त पांच साधनाओं को इन पांच देवताओं की साधना भी कह सकते हैं। पांच कोशों को पांच प्रकार के रत्नों का, पंच रत्नों का भंडार माना गया है। विभूतियां पांच ही हैं, इन्हीं में रिद्धि सिद्धियों का समावेश समझा जा सकता है। संयम, साहस, दिव्य दृष्टि, स्वर्ग, बंधन मुक्ति, इन पांचों के अंतर्गत ही प्रत्यक्ष और परोक्ष जीवन की समस्त संपदाओं, सफलताओं का समावेश हो जाता है।